नाम कुसमेश जी, श्री प्रेमेंद्र तिवारी जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती राजरानी रावत जी, विधान परिषद के सदस्य श्री अवनीश कुमार सिंह जी, मान्य विधायकगण श्री शरद अवस्थी जी, साकेन्द्र प्रताप वर्मा जी, सतीश चंद शर्मा जी, बैसनाथ रावत जी, राम नरेश रावत जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पूर्व विधायकगण श्री संग्राम सिंह जी, श्री सुंदरलाल दीक्षित जी, श्री हरि गोविंद सिंह जी, नगर पालिका के अध्यक्ष श्रीमती शशि श्रीवास्तव जी और भारी संख्या में आज इस बाराबंकी सदर विधानसभा में उपस्थित बाराबंकी जनपद से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आज यहां पर विकास की लगभग 150 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होने के साथ ही यहां पर प्रदेश के अंदर ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बिस्किट और बेकरी निर्माण की एक इकाई का शिलान्यास का कार्यक्रम भी 100 करोड़ रुपये है। मैं इसके लिए बाराबंकी जनपद से जुड़े हुए आप सभी उपस्थित भाइयों बहनों को विकास की इन परियोजनाओं के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, विकास की इन योजनाओं के माध्यम से ही हमारे जीवन में व्यापक बदलाव और आमूलचूल परिवर्तन होने वाला है। ये विकास ही हमारे जीवन को सुख और समृद्ध में बनाने में सहायक होगा और इसीलिए आज यहां पर केवल 3 विधानसभा क्षेत्रों के विकास की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए हम लोग आए हैं। वैसे भी बाराबंकी देवादिदेव महादेव की पावन धरती महादेवा की इस धरती पर मैं विकास की परियोजनाओं के साथ साथ पर्यटन विकास की इन सभी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए आप सब हृदय से बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, बाराबंकी हमारे लिए 2 दृश्य में महत्वपूर्ण है। बाराबंकी के बाद माना जाता है कि राम राज्य की धरती प्रारंभ बाराबंकी से प्रारंभ हो जाती है। ये राम राज्य का द्वार है और दूसरा, बाराबंकी के किसानों ने अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से यहां की कृषि को एक नई ऊंचाइयां प्रदान की है। बाराबंकी के वे प्रगतिशील किसान जिनमें एक अग्रणी नाम से राम शरण वर्मा जी का आता है, जनप्रतिनिधि आप सबका आशीर्वाद उनके साथ में है, तो आप एक करके उनके द्वारा परिश्रम की पराकाष्ठा पर पहुंच करके विकास की एक एक योजना को लाने का कार्य किया जाता है। और मैं आज इसकी बाराबंकी में भी सरकारी निवेश के साथ साथ निजी क्षेत्र का निवेश हो, आज ब्रिटानिया ने यहां पर अपने बिस्किट और बेकरी के संयंत्र की स्थापना की शुरुआत करके ढेर सारी परियोजनाएं बाराबंकी जनपद में आएंगी और विकास की एक नई ऊंचाइयों तक बाराबंकी पहुंचेगा। बाराबंकी न के नौजवानों को पलायन नहीं।